वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेल्स पर सोकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहोगे? हियर आई एम अनफोल्डिंग द सीक्रेट, वॉच दिस। आपको आश्चर्य होगा कि इतने पॉइंटेड नेल्स के ऊपर कोई कैसे सो सकता है। सिर्फ सो ही नहीं सकता, अपने ऊपर 600 से 1000 किलो जितना वजन को हैंडल करके रिकॉर्ड भी बना सकता है। ये बलून है, अगर आप एक नेल के ऊपर रखेंगे तो वो फूट जाएगा, पर इसी बलून को आप ऐसे रखेंगे तो नहीं फूटता। व्हाट्स द सीक्रेट? सो रिमेंबर रूल नंबर 1, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी वेट। नेल्स पर सोने वाला व्यक्ति का वजन नेल्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नेल बेड का रिकॉर्ड बनाने के लिए चलिए देखते हैं नेल बेड कैसे बनाते हैं। 15 से 18 mm की प्लाई लीजिए, पेटी पैक 6 इंचेस के नेल्स ऑर्डर से मंगवा लीजिए। रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1 या 2 इंचेस का इक्वल गैप रख के उसे फिक्स करवा दीजिए। ये सब करने के लिए एक अच्छा सा कारपेंटर ढूंढ लीजिए। पार्टिसिपेंट्स के बैक के मेजरमेंट के हिसाब से रेक्टेंगल प्लाई कट करवा दीजिए। आप देख सकते हो कि मेरे एक्ट में हर एक पार्टिसिपेंट्स का नेल बोर्ड कस्टमाइज है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज थर्मोकॉल। बैक के अलावा बॉडी के बाकी के हिस्सों को सपोर्ट करने के लिए इसका यूज करेंगे। इसकी हाइट नेल बोर्ड जितनी ही रखनी है। हेड के सपोर्ट के लिए थोड़ी छोटी साइज की, जबकि पैर के सपोर्ट के लिए थोड़ी बड़ी। ये वाइट थर्मोकोल को आप कोई भी कलर के कपड़े से कवर कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेरे कई रियलिटी शोज में देखा ही होगा। फ्रेंड्स, आई फर्मली बिलीव कोई भी रिकॉर्ड किसी एक व्यक्ति का अचीवमेंट नहीं होता, लीडर और पार्टिसिपेंट्स के साथ हेल्पर्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। इस एक्ट में हेल्पर्स हर एक पार्टिसिपेंट्स को नेल बेड के ऊपर सोने में हेल्प करते हैं। यहाँ याद रहे, आपको बड़े आराम से पार्टिसिपेंट्स को नेल बेड पर सुलाना है। अगर मिस्टेक हुई तो लोअर मोस्ट पार्टिसिपेंट्स के बैक में नेल्स लग सकते हैं, या तो पैनल का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसके अलावा पार्टिसिपेंट्स के हेड और लेग के सपोर्ट के लिए भी ट्रेंड हेल्पर्स लगेंगे। माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए कैसे हेल्पर्स ने हेड और लेग को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा 5 लेयर्स तक तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके आगे जाना है, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर्स तक जाना है, तो आपको स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। स्टैंड कैसा होना चाहिए, कैसे फिट करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। पहली बार स्टैंड का उपयोग मैंने 2011 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वक्त किया था। ये स्टैंड एक अच्छे फैब्रिकेटर के पास है कस्टमाइज मेजरमेंट देकर बनवाना पड़ता है। इसके अलावा आपको छोटे और बड़े टेबल्स भी तैयार रखने होंगे, और सबसे लास्ट में जो ब्रेकिंग करते हैं उसके लिए हैमर और सीमेंट स्लैब मत भूलिएगा। अब इस पूरे एक्ट के पीछे का साइंस तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। फर्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वेट। सेकंड, लेइंग बॉडी ऑन नेल्स, ध्यान से विदाउट एनी प्रेशर और जर्क। थर्ड, ग्रेविटेशन फोर्स को मैनेज करने के लिए पैनल को क्रॉस में एडजस्ट की गई है। फोर्थ, लास्ट में जो स्लैब तोड़ना है उसे तोड़ने के लिए हैमर, ना कि खुद के हाथ से। क्यों? इट विल गिव जर्क एंड इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस एंड एड प्रेशर टू द लोअर मोस्ट पार्टिसिपेंट्स। मेरी लीडरशिप में आज तक जितने भी नेल बेड रिकॉर्ड्स हुए उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। फ्रेंड्स, आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू द नेल बेड एक्ट। इसके बावजूद अगर आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9825389179 पर, एंड आई कैन हेल्प यू विद द गिनीज, द एशिया बुक एंड द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स।